आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कुल्फी आइसक्रीम की रेसिपी। ये खाने में बहुत बढ़िया लगती है और इसको बनाना भी बिल्कुल आसान है। देखने में बिल्कुल मार्केट की ही लग रही है और खाने में मार्केट से कहीं ज्यादा बढ़िया है। इसमें ओरियो बिस्किट पड़ा है, चॉकलेटी फ्लेवर है और बटर स्कॉच भी अलग तरीके से मैंने बनाया है। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि मैंने ये कुल्फी आइसक्रीम कैसे बनाई है तो ये वीडियो आप पूरा देखिएगा। तो चलिए जल्दी से रेसिपी शुरू करते हैं। नमस्कार, घर का शेफ फ्रॉम अर्चना में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बहुत ही बढ़िया आइसक्रीम बनाएंगे, मार्केट से भी अच्छी बनाएंगे और इसको हम बनाएंगे ओरियो बिस्किट से, दूध से और चीनी से। तो आप अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपनी पसंद के अनुसार कोई चीज कम कोई चीज ज्यादा कर सकते हैं। बिस्किट भी ज्यादा ले सकते हैं, दूध कम ले सकते हैं या दूध ज्यादा ले सकते हैं, बिस्किट कम ले सकते हैं। मीठा अपनी पसंद के अनुसार कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 ओरियो बिस्किट लिया है 10 वाला और 1 बाउल दूध लिया है, लगभग 250 ml होगा और 2 से 3 चम्मच चीनी है। तो चीनी की मात्रा भी आप कम ज्यादा अपनी पसंद के अनुसार कर सकते हैं। और दूध मैंने मलाई वाला लिया है, ये देखिए मलाई सहित दूध मैंने इसमें लिया है। तो ये चीनी इसमें डाल देंगे और इस तरह से मिला देंगे ताकि मलाई भी मिल जाए और चीनी भी घुल जाए। अभी इसको साइड में रख देंगे और ओरियो बिस्किट लेंगे हम और इसको क्रश कर लेंगे पैकेट में ही, आसानी से हो जाएगा इस तरह से तोड़ के। तो देखिए इस तरह से मैंने पैकेट में ही तोड़ दिया है और बिल्कुल बारीक नहीं किया, थोड़ा मोटा है। इसको भी इसी तरह से कर लेंगे। ये देखिए दोनों पैकेट इस तरह से हो गया है, इस तरह से ये पैकेट फाड़ देंगे। ये देखिए और ये बिस्किट निकाल लेंगे एक बाउल में। तो बिस्किट निकालने के बाद एक कुल्फी मोल्ड लेंगे, आप किसी भी तरह का मोल्ड ले सकते हैं, कुछ नहीं है तो डिस्पोजल ग्लास ले सकते हैं या पेपर ग्लास ले सकते हैं। ये थोड़ा थोड़ा बिस्किट इसमें डाल देंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने मोल्ड में डाल दिया है। तो अब ये चीनी, तो अब ये दूध फेंट लेंगे ताकि चीनी घुल जाए और मलाई भी अच्छी तरीके से मिल जाए इसमें। देखिए चीनी अच्छी तरीके से घुल गई है। तो अब ऐसे दूध निकाल के और इस मोल्ड में डालेंगे। ये आइसक्रीम बहुत आसानी से बन जाती है और बहुत ज्यादा स्वादिष्ट लगती है खाने में। आइसक्रीम बोलिए या कुल्फी बोलिए, जो भी बोलिए, बहुत ही बढ़िया लगती है खाने में। तो एक बार इसको आप भी बनाइएगा। तो इस तरह से मैंने देखिए दूध इसमें डाल दिया है। तो आप चाहे तो इसके साथ जो स्टिक आता है वो लगाइए, लेकिन मैं इसको नहीं लगाऊंगी, आइसक्रीम स्टिक लगाऊंगी इसमें। आइसक्रीम स्टिक लगाने के लिए इस तरह से एक एल्युमिनियम फॉइल लेंगे और ऐसे इसको ढक देंगे अच्छी तरीके से। इस तरह से एल्युमिनियम फॉइल लगाने के बाद हल्का सा इसमें ऐसे चाकू की मदद से ऐसे कर देंगे और यहाँ पे ये स्टिक लगा देंगे ऐसे। ये देखिए हल्के हाथ से ऐसे करिएगा। अब इसको 6 से 7 घंटे के लिए फ्रीजर में रख देंगे और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि कुल्फी किस तरह से जमी है। जब तक कुल्फी जम रही है तब तक इसके ऊपर कोट करने के लिए हम बटर स्कॉच तैयार कर लेंगे। बटर स्कॉच बनाने के लिए मैंने मूंगफली का दाना लिया है और इसको ऐसे ड्राई रोस्ट करके इसका छिलका निकाल दिया है। तो अब इस दाने को ये जो ओरियो का पैकेट है इसमें डाल देंगे। तो ये देखिए पैकेट में डालने के बाद इस तरह से पकड़ लेंगे और बेलन की सहायता से इसको भी इस तरह से क्रश कर लेंगे। आप चाहें तो जिप लॉक पॉलिथीन भी ले सकते हैं या मिक्सी जार में भी हल्का सा दरदरा कर सकते हैं, लेकिन बारीक नहीं करिएगा, हल्का दरदरा ही रहेगा। और देख लेंगे, देखिए थोड़ा सा और करेंगे। ये देखिए इस तरह से मैंने कर लिया है। तो
इसको अभी हम साइड में रख देंगे। एक पैन लेंगे और एक बाउल चीनी लेंगे, पैन में से डाल देंगे, इस तरह से फैला देंगे। गैस फ्लेम लो रखेंगे और चीनी को मेल्ट होने देंगे। इस तरह से इसको मिला देंगे। अब इसमें एक चम्मच बटर डाल देंगे। चीनी देखिए कैरमलाइज हो गई है, तो अब ये मूंगफली का दाना जो हम क्रश करके रखे हैं इसको डाल देंगे और गैस फ्लेम ऑफ कर देंगे। अच्छी तरीके से मिला देंगे। अब इसको एक बटर पेपर पे या प्लेट में फैलाएंगे, लेकिन प्लेट आप स्टील की ही लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे स्टील का प्लेट ली हूँ और इसमें घी लगा के रखी हूँ, तो इसको डाल देंगे ऐसे इसमें। फैला देंगे पतला। 15 मिनट के लिए ऐसे रहने देंगे, सेट हो जाएगा, फिर इसको निकालेंगे प्लेट से। इस तरीके से सेट हो गया है, इस तरह से करके निकाल लेंगे। अब एक पॉलीथिन में इसको डाल लेंगे। आप चाहें तो जिपलॉक पॉलीथिन भी ले सकते हैं और इस तरह से क्रश कर लेंगे। तो ये देखिए, अब फिर से इसी प्लेट में इसको निकाल लेंगे। इसको अभी रख देंगे, कुल्फी जमने के बाद फिर इसका यूज करेंगे। तो आइसक्रीम देखिए जम चुकी है, तो एक ग्लास में ऐसे पानी लेंगे या किसी भी बर्तन में पानी लेंगे, ऐसे करके डाल देंगे कुछ सेकंड के लिए। इस तरह से पहले एल्युमिनियम फॉइल हटा देंगे। इस तरह से निकालेंगे, ये देखिए कितनी बढ़िया कुल्फी जमी है। तो देखिए कितनी बढ़िया कुल्फी जमी है। अभी ये पिघल जाएगी तो इसलिए हम इसको ऐसे फ्रीजर में रख देंगे और तब तक इस पे लगाने के लिए चॉकलेट तैयार कर लेंगे। इस तरह से चॉकलेट लेंगे और इस पर से कट कर लेंगे। चॉकलेट मेल्ट करने के लिए एक बर्तन में पानी लेंगे थोड़ा सा, और उसपे इस तरह से कोई बाउल या कांच का बाउल कुछ भी है तो आप रख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए कि पानी से टच ना हो। अब ये चॉकलेट इसमें डाल देंगे। तो देखिए चॉकलेट अच्छी तरीके से मेल्ट हो गया है। एक ग्लास में डाल देंगे इसको। चॉकलेट मैंने ग्लास में डाल लिया है, अब कुल्फी निकाल लेंगे फ्रीजर से। तो ये देखिए कुल्फी भी मैंने निकाल लिया है फ्रीजर से और ये बटर स्कॉच भी तैयार है। तो अब एक कुल्फी लेंगे ऐसे, तो अब इसको कुल्फी को ऐसे इसमें कोट करेंगे। ये देखिए इस तरह से चॉकलेट में कोट करने के बाद ये बटर स्कॉच से लगा देंगे इस पे सब तरफ से। बहुत जल्दी से लगाइएगा क्योंकि बहुत जल्दी से जमने भी लगती है कुल्फी। ये देखिए एक बटर पेपर लेंगे और ऐसे इस पर रख देंगे। बाकी कुल्फी भी ऐसे ही कर लेंगे। इतनी बढ़िया कुल्फी बनी है, बिल्कुल लग रहा है कि मार्केट से ही लेके आए हैं, इतनी बढ़िया दिख रही है और खाने में भी बहुत ज्यादा बढ़िया है। और जो बटर स्कॉच हम तैयार किए हैं वो भी बिल्कुल अलग तरीके से तैयार किए हैं, मूंगफली के दाने से।
वैसे तो बटर स्कॉच ड्राई फ्रूट से बनता है, आपको अगर मूंगफली का दाना नहीं पसंद है तो आप ड्राई फ्रूट ही डाल सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये कुल्फी आइसक्रीम की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। बहुत जल्द फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।